जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सुधरा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स के बर्थ चार्ट के ऊपर। बात करेंगे किस युग ने इनको इतनी बड़ी सफलता दी, नेम फील्ड दिया और किस युग की वजह से ये इतने अमीर बने। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। ये पूरा चार्ट हम नानी ज्योतिष के सिद्धांतों के हिसाब से एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या योग होते हैं जो किसी व्यक्ति को कम्युनिकेशन या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में सफलता देते हैं और कौन से योग होते हैं जो किसी व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा अमीर बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किस योग ने इनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया। मैंने हमेशा से आपसे कहा है कि जब भी किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को देखना हो तो उसके शनि को देखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति की एजुकेशन को देखना हो उसके बुध को देखिएगा। सीधा सा सूत्र मैं आपके साथ एक शेयर करता हूं। अगर किसी व्यक्ति के बुध के ऊपर मंगल राहु केतु और चंद्र के प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे फील्ड से जुड़ा हुआ हो। उसके बाद दूसरा सूत्र, अगर किसी व्यक्ति के शनि के ऊपर शुक्र और शुक्र की राशियों के और चंद्र के राहु केतु के प्रभाव होते हैं तो भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो व्यक्ति इंजीनियरिंग जैसे फील्ड से जुड़ा हुआ हो। अभी सबसे पहले बुध को देखेंगे। आप देखिएगा बुध यहां पर अपनी उच्च राशि में बैठा है और बुध के साथ में मंगल बैठा है। बुध और मंगल का योग शो करता है कि ये व्यक्ति मशीनरी में इंटरेस्टेड है, क्योंकि बुध हो गया आपका इंटेलेक्चुअल और मंगल हो गया मशीनरी। उसके बाद आप देखेंगे बुध के ट्राइन में बैठा है केतु। बुध के ट्राइन में बैठा है केतु और केतु भी बैठा है शुक्र की राशि में और शुक्र क्या शो करता है, लग्जरियस आइटम वगैरह को, और केतु क्या शो करता है, वायर वगैरह को। और बुध मंगल और केतु का जब योग बनता है तो ये अपने आप में एक ऐसी मशीनरी को शो करते हैं जो वायर वगैरह से चलती है जैसे ही कंप्यूटर वगैरह। उसके बाद आप देखेंगे बुध से दो भाव में जो शनि बैठा है, शनि बैठा है शुक्र की ही राशि में और साथ में बैठा है शुक्र। तो शनि शुक्र की राशि में और शुक्र के साथ में बैठने की वजह से ये शो करता है कि ये पर्सन जिस भी आइटम का बिजनेस करेगा, क्योंकि शनि आपका प्रोफेशन है, वो कहीं ना कहीं लग्जरी आइटम से रिलेटेड होगा, बहुत ज्यादा कीमती होगा, ऐसी चीज होगी जिसको बहुत ज्यादा लोग पसंद करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ सूर्य भी है और सूर्य से दो भाव में बैठा है राहु। सूर्य क्या हो गया, सूर्य हो गया लाइट और राहु हो गया अंधकार। उसके बाद आप देखेंगे राहु के ट्राइन में जो प्लैनेट बैठे हैं वो है चंद्र। ये पूरा एनालिसिस मैं नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांतों से कर रहा हूं, इसलिए यहां पर हम किसी भी ग्रह के त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह को युति की तरह मानेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मित्र जो पराशरी जानते हैं नाड़ी ज्योतिष को नहीं जानते, उनको कई बार समझ में नहीं आता कि यहाँ किस तरह से योग बनाए जा रहे हैं। तो बहुत सारी वीडियोस हैं मेरी जिनमें की मैंने नाड़ी के फंडामेंटल्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, आप वो देखिएगा। और इसी चार्ट को मैं पराशरी के हिसाब से भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। सूर्य हो गया लाइट प्रकाश, दिन का प्रकाश, चंद्र हो गया रात्रि का प्रकाश। अब आप देखिएगा दोनों पर राहु का प्रभाव है किस तरह से। पहले तो आप देखिएगा जितना भी कंप्यूटर मोबाइल से रिलेटेड वर्क होता है, फोटोग्राफी से रिलेटेड वर्क होता है, उसमें एक विजन का खेल होता है, वहां पर सनलाइट का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, वहां पर जो ज्यादातर यूज होता है वो डार्कनेस का, छाया का यूज होता है। जो विजन आता है वो एक छाया है, एक छाया पड़ती है जो कि हमें दिखती है। तो उसमें राहु और केतु का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है और लाइट का है। तो वहां पर जो मैक्सिमम वर्क होता है वो मून लाइट के हिसाब से होता है, क्योंकि आप जब भी फोटो को क्लिक करेंगे आप उसको अंधेरे में डेवलप करते हैं। तो राहु का प्रभाव आ गया चंद्र के ऊपर, यानी कि लाइट जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गई। आप कहते हैं ना कि अगर ग्रहण हो जाता है, ग्रहण में आपने देखा कि चंद्र और सूर्य के ऊपर राहु केतु का जब प्रभाव आता है तो ग्रहण होता है और उसमें एक छाया आ जाती है, तो वो छाया का शो, छाया को शो करते हैं वो राहु और केतु शो करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं चंद्र और सूर्य की लाइट को कम होना ताकि एक विजन क्रिएट हो सके, एक आर्टिफिशियल विजन क्रिएट हो सके। तो उसके बाद आप देखेंगे कि राहु यहां पर मंगल की राशि में बैठा है, तो मंगल की राशि में बैठकर राहु शो कर रहा है एक विजन जो मशीनरी के द्वारा क्रिएट हो रहा है। एक बहुत ही आसान सा सूत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा, जब भी किसी व्यक्ति के चार्ट में सूर्य और चंद्र के ऊपर राहु केतु का प्रभाव होगा ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं फोटोग्राफी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मोबाइल इंजीनियरिंग जैसे फील्ड से जुड़ा हुआ होगा। उसका रीजन क्या है वो मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि ये सारे काम डार्कनेस में होते हैं। उसके बाद में अगर राहु और केतु जैसे प्लैनेट अगर मंगल की या शुक्र की राशियों में हो
तो वो भी इस इफेक्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। जैसे कि राहु ने मंगल की राशि में बैठकर मंगल का इफेक्ट दिया और मंगल का इफेक्ट देने से मशीनरी के द्वारा लाइट को विजन को शो किया। उसके बाद केतु ने बुध के ऊपर प्रभाव दिया, यानी कि आपको एक ऐसा माइंड दिया। केतु और बुध की युति वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब भी बुध के ऊपर केतु का प्रभाव होता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा सूक्ष्मता के साथ एनालिसिस करने की पावर बोर्ड गिफ्टेड होती है। हर चीज को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ देखते हैं, बाल की खाल निकालने वाले ऐसे लोग होते हैं। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसा काम तो है नहीं कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट डेवलप करना, उसके बाद पूरी दुनिया में उसको स्टेबल करना कोई साधारण आदमी के बस की काम नहीं है। उसके लिए आपको बहुत ही शार्प माइंड होना पड़ेगा। तो शार्प माइंड के लिए भी आप एक सूत्र नोट कर लीजिएगा, जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी व्यक्ति के बुध के ऊपर केतु और मंगल दोनों का एक साथ प्रभाव होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा शार्प माइंड रहता है। मंगल का प्रभाव जब बुध के ऊपर आता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा लॉजिकल बना देता है, और केतु का प्रभाव बाल की खाल निकालना, यानी कि बहुत ही लॉजिकली ये किसी चीज को समझ कर उसका उपयोग करते हैं, ये क्वालिटी इनकी है। तो प्रोफेशन को जब हम समझते हैं तो हमें शनि के ऊपर आने वाले प्रभाव देखना होता है। हमने देखा शनि शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है तो लग्जरियस आइटम से रिलेटेड काम होगा। उसके बाद क्या काम होगा, हमने देखा दो भाव में राहु बैठा है मंगल की राशि में, मंगल का प्रभाव दे रहा है तो यानी मशीनरी से रिलेटेड होगा। अब हमने देखा राहु के ऊपर चंद्र का प्रभाव है, चंद्र क्या शो कर रहा है, लाइट को शो कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो लाइट से रिलेटेड होगा। तो ये सारी चीजों को समझने के बाद हमें अपने इंट्यूशन का यूज करके किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को प्रेडिक्ट करना होता है। होपफुली आपको ये प्रोफेशन किस तरह से निकालते हैं उसका एक आइडिया मिला होगा। अब बात आती है कि ये इतने अमीर क्यों हैं, किस योग ने इनको इतनी सफलता दी। सफलता का योग, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य गुरु शनि ये युति में बैठे हों या लगातार भाव में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत राजयोग कारक होते हैं। आप देखेंगे इस कुंडली में गुरु सिंह राशि में बैठा है, राज दरबार की राशि में बैठा है तो सीधी सी बात है अपने आप में काफी स्ट्रांग होकर बैठा है। शनि के लाभ भाव में बैठा है, शनि के लाभ भाव में राज दरबार से उसको सपोर्ट दे रहा है तो ऐसे में सीधा सा इंडिकेशन आता है कर्म धर्म योग बन रहा है और शनि को एक स्ट्रेंथ मिल रही है। उसके बाद आप देखेंगे गुरु के दो भाव में मंगल और बुध बैठे हैं और बुध यहाँ पर अपनी उच्च राशि में बैठा है, बुध अपनी उच्च राशि में बैठकर गुरु को भी स्ट्रांग कर रहा है और शनि भी आप देखेंगे अपनी उच्च राशि में बैठा है। लगातार तीन भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, गुरु बुध और शनि। उसके बाद आप शुक्र भी देखेंगे तो शुक्र भी काफी अच्छी कंडीशन में, क्योंकि शुक्र भी यहां पर स्वर राशि है। उसके बाद किसी भी व्यक्ति के अगर आपको सक्सेस के रेट को जानना होता है तो शनि को बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता आपको देनी होती है। आप देखेंगे शनि यहाँ पर उचका होकर बैठा है, उसके बाद शुक्र जो स्वर राशि है उसके साथ में बैठा है तो ऐसे में शनि की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप कहेंगे यहाँ पर सूर्य भी तो बैठा है, सूर्य नीच होकर बैठा है, सूर्य का नीच भंग हो रहा है तो ये चीज कंडीशन ये शो करती है कि एक टाइम में इनकी कंडीशन बहुत खराब रही होगी, उसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया होगा और बहुत ही ज्यादा सक्सेस अचीव करी होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं शनि और सूर्य की युति पितृदोष होती है, किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं अचीव कर रही होती, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं यहाँ शनि और सूर्य की पूरी युति है और ये कितने सक्सेस है। मैंने शनि और सूर्य युति वाली वीडियो में आपसे कहा था कि इस युग में व्यक्ति को थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है मगर कहीं से कहीं तक भी आपकी सक्सेस में बाधा नहीं बनती, तो वो आपने देखा। अब धन योग के लिए भी मैंने आपसे कहा था कि जब किसी व्यक्ति के शनि के ऊपर शुक्र का बहुत ही स्ट्रांग इफेक्ट होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा धनी होता है। आप देखेंगे इस कुंडली में शनि अपनी उच्च राशि में बैठा है और शुक्र के साथ युति में है तो बहुत ही परफेक्ट धन योग बन रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे राहु और केतु, क्योंकि राहु और केतु हमेशा बूस्टर का काम करते हैं, कंट्रोलर का काम करते हैं। आप देखेंगे केतु जो बैठा है यहाँ पर शुक्र की ही राशि में बैठा है। राहु और केतु की खासियत होती है जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के कारक तत्वों में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देते हैं, और शुक्र केतु की खासियत होती है जब भी वो शुक्र की राशि में बैठा हुआ ऐसे में वो धन संबंधी मामलों में परेशानी नहीं देता, धन को बढ़ा ही देता है। शुक्र की राशि में केतु बैठा है और राहु बैठा है मंगल की राशि में, यानी मशीनरी से रिलेटेड धन को वो शो कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे शुक्र से दो भाव में राहु बैठा है, शुक्र से दो भाव में राहु बैठकर शुक्र के कारक तत्वों को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर देता है। जैसे कि मैंने आपसे शुक्र और राहु की युति में कहा था कि जब भी शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव होगा तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। तो ये सारे योग इनके बर्थ चार्ट में बहुत ही पॉजिटिवली बनते हैं। होपफुली आपको ये योग क्लियर हुए हो। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम पाराशरी से इसी चार्ट को डिकोड करेंगे।
तो जुड़ जाएगा अष्टसूत्र के साथ। जय हिंद, जय भारत।